घर को छोड़ते हैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही अच्छे। जिन लोगों का भी मैंने कभी भी जाने अनजाने में दिल दुखाया है, मैं उनसे दिल से सॉरी बोलती हूँ, और जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है मैं उनको माफ़ करती हूँ। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको बुला रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसी चीज़ से कोई नहीं बोलना है। जैसे मुझे खुशी मिली है वैसे आप लोगों के भी जीवन में खुशी। कैसे हो आप, सब से शेयर करना ये वो आप से बहुत अच्छे हो गए। हाँ, और आज फाइनली दिन है शिफ्टिंग का। वैसे आप लोगों को पता है मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही है, ना ही शिफ्टिंग से, ना ही रेंट के घर से। मैं हमेशा बहुत ही अपनेपन के साथ और बहुत ही खुशी से रही हूँ जहाँ पर भी रही हूँ। बट अगर ये दिन जिंदगी में भगवान ने नसीब कराया है तो उसको मैं फील क्यों ना करूँ। तो वही है ना कि मतलब कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है इस बार की शिफ्टिंग में, क्योंकि इस बार की शिफ्टिंग में रेंट के घर से, मैं रेंट के घर में नहीं जा रही हूँ, मैं रेंट के घर से खुद के घर में जा रही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मतलब ये फीलिंग क्या होगी, इसको वर्ड में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। मतलब फीलिंग लाइक ब्लेस्ड, फीलिंग लाइक सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड एंड लिटिल बिट नर्वस ऑल्सो। आई रियली डोंट नो वाई नर्वस, बट येस दिस इज थ्रू, नर्वस भी हूँ मैं, मुझे नहीं पता क्यों थोड़ा सा घबराहट से हो रही है। और बार बार टच वुड, भगवान माफ़ करे, बट एक ड्रीम सा भी लग रहा है, सपना सा भी लग रहा है, ये दिन आ गया। मतलब रेंट की जिंदगी से छुटकारा, जिंदगी से इन द सेंस घर से, सॉरी जिंदगी तो रेंट की है, भगवान ने ये बॉडी रेंट पर दे रखी है हम लोगों को, बट फिर भी खुद के घर में जा रही हूँ। हम नहीं भरेंगे यार, हमें बहुत आलस आता है। भर दो। नहीं, तुम्हें तो आलस आता है, मुझे साइन कर चक्कर आते हैं। चक्कर तो बहुत ही आता। और क्या नहीं आता। हां मैं तो तुम मामा को टिकाओगे। आ जाओ मेरा पूत। ओ मेरा पूत, आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं? पता नहीं, अपने घर। वहाँ पे खूब कूदना, ठीक है मामा। और ये कल आया था है? ये कल आया था। हल्का सा ही में हो जाएगा काम। हार्पिक लाए हो? वही लाया, हल्का सा। अब बस हल्का सा जो है, बड़े पक्के दाग लगाए हैं। सोचे जाने से पहले दाग वाग थोड़े बहुत, मतलब इतना मना करते हैं नन्नू को, अभी तक तो घर व्हाइट से ब्लैक हो चुका होता, तब जा कर के नन्नू देखे थोड़े बहुत जो निशान है बना ही दिए। इधर आपको दिख रहा हूँ ये देखिए। तो सोच रहे हैं कि आज लैंड ओनर आएंगे, उससे पहले कम से कम इसका वो तो क्लीन तो कर दो, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता ना किसी को गंदा घर देना। अरे ये मुझे नहीं पता किसका है, तो मुझे पता तो ले लो। अरे तुमने देखा नहीं है? अरे मैं एक घर में गई, तो मैं कहाँ रहती, लखनऊ में रहती थी। मम्मा, मैंने जो वो उस डोर उसमें करा ना है ना, मैं तो इतनी चाकर नहीं खेल सकती। मैं आपको क्या बताऊँ, लिटरली वो पता नहीं किस पेंट की दीवार थी, पता नहीं चल रही थी, इतना उसने मकड़ी का जाला कलर से पेंसिल से बच्चे ने बना के रखा हुआ था, पूरे घर में जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता है ना ऐसे बच्चे का, तो हाफ ऐसे लग रहा था, उन्होंने ऐसे करके ऐसे पूरे उस पर टाइल्स लगवा दिए, मतलब मकड़ी के जाले वाले की क्या कर दिए हैं, एकदम मकड़ी का जाला लग रहा था, और इतना भयानक उसने करा था ना। ओ गॉड, मतलब खुद का घर है था ना उनका, तो वो करवा सकती थी, अभी फिलहाल रेंट पर रहते तो इतना तो नहीं पॉसिबल है, बट हाँ फिर भी क्रिएटिविटी के लिए इसको मैं स्लेट वगैरह दे देती हूँ और कुछ दे दिया। जैसे इसने अपनी अलमारी के डोर पे बड़ा तगड़ा दाग है, ये सब क्रेयॉन है, हार्पिक से भी नहीं छूट रहे, तो इधर पीछे वाला नहीं छूट रहा है। हाँ क्या किया बेटू तुमने, देखो तो किसने करा है, और कौन है, मेरे कितने बच्चे हैं, एक ही तो बच्चा है मेरा प्यारा सा। इतनी समझदार नन्नू ने इतना कर दिया, सोचो जब शैतान बच्चे होते होंगे वो कितना करते होंगे। आओ तो मैं दिखाती हूँ अलमारी में, सबको दिखाती हूँ, ठीक है? नहीं सबको दिखाऊंगी, सबको दिखाऊं मैं,
ये लो देखो सब लोग नन्नू के काम। ऐसे बच्चों काम से मतलब नुकसान तो होता है पर प्यार कितना आता है ना। तो चलिए आगे की बातें करेंगे बाद में, फिलहाल करते हैं काम शुरू। आप घर की हालत पूरी देख सकते हैं, चारों तरफ खराब है। अभी ये चली जाएगी, ये भी शायद चली जाए, और ड्रेसिंग ड्रेसिंग का भी बताते हैं आपको कहानी बाद में। ड्रेसिंग का भी बताते हैं, छूट गया आइटम है। अच्छा भाई मुझे पसंद आता है वही भंडारे वाला। मैं दे देना दोनों आलू भी और मठे के आलू। ये बड़े आलू ज्यादा रख दिए। चलो नहीं चलो कोई बात नहीं, मठे के आलू डाल दो बस। ये वाली ले लो। किधर जा रही हो? अच्छा अपने घर नहीं जा रही हो? आज किधर जा रही हो? अपने घर। कहाँ है अपना घर? अच्छे नहीं करते, मुंह नहीं लगाते किसी में। ठीक है अब तो, ठीक है अब तो माथा खाली नहीं लग रहा ना तुम्हें? हाथ ऐसे लटका लो। चलो चलो चलो, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। दो जोंके हैं यहाँ पे। हाँ नमस्ते मामी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। बाय। अरे फ्लैट ही नहीं पसंद वाले क्या? सोसाइटी वाले घर आरो लगवाने के लिए, बट वहाँ उनको ना एक बॉल की ज़रूरत पड़ गई तो वो लेने के लिए चले गए आधे घंटे के लिए। फिर बगल वाली जो है मेरी मामी जी वो आ गई थी, उनसे बात करने लगे बैठे रहे। उनको मामी इसलिए बोलती, पहले मैं आंटी बोलती थी बट वो मेरे एकदम नानी के आके हैं तो मैं उनको मामी बोलती हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं पूरा एड्रेस बता नहीं सकती। मतलब जब मैंने उनका एड्रेस सुना ना तो मैं एकदम चौंक गई, सीरियसली इतने पास की हैं वो। तो फिर मैं मामी बोलती, तो वही मामी बैठी थी, मामा बैठे रहे, मेरे मामा चले गए, मामी चली गई मैनपुरी। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आए मेंटेनेंस ऑफिस, स्टिकर हट चुका है सोसाइटी का, बस यही सारे काम है। पूरे मूवर्स एंड पैकर्स वालों ने सामान पैक कर दिया। यहाँ से गेट पास जरूर बनता है, आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बिना इम्पॉसिबल है शिफ्टिंग। तो वही गेट पास अंदर बनवा रहे हैं। मैं यहाँ पर इनका वेट कर रही हूँ। अंदर ना एक इंसान बहुत बुरी तरह झगड़ा कर रहा था तो मुझे सर दर्द होने लगा। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठी हूँ तुम आ जाना। तो वही बोल रहे, अरे सर ये हर तरीके के लोग आ जाते हैं, हैंडल करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, क्या करें। मैंने कहा समझ से बहुत बुरी तरह चीख रहा था तो उल्टा सीधा बोल रहा था। मैंने कहा चलो, वैसे भी थोड़ा सा मेरी तबीयत की वजह से मुझे रिलैक्स चाहिए और कुछ नहीं। पता नहीं किससे छुटा के गया, अजीब सी महक भर गई है पूरी कार में। मम्मी नन्नू ऊपर है, मैं हूँ बेसमेंट 2 में, मम्मी है 7th फ्लोर पे। फिलहाल चलिए फाइनली शिफ्टिंग का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बस हल्की सी एनर्जी लो है जो कि मेरी काफ़ी दिन से है। आपने पहले देखा तो मैं कितना कितना काम कर लेती थी, सब कर लेती थी, बट कुछ दिनों से मेरी जो है एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है। अब इसको भी देखा जाएगा, एक एक काम करें ना स्टेप बाय स्टेप। तो अब जब
क्या बोलते हैं, खुद का घर हो गया, अब इसको भी देखा जाएगा, सारी चीजें देखी जाएंगी। अभी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरे लिए मेरा घर था, तो बस आज फाइनली शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए टच वुड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मम्मी का कॉल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, एक तो बेसमेंट टू और है, तो परेशान हो रही होंगी, नंबर नहीं लग रहे होंगे। ये आ गए क्या, इनको बुलाते हैं फिर चलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको कितना काम कहाँ तक प्रोसेस हुआ। सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, मैं आ रही हूँ ना इस वजह से। मामी तो बहुत ज्यादा खुश, बहुत दिनों से बुला रही थी, दिव्या तू आ जा करके, बहुत ज्यादा खुश है वो। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, इन्हें बुलाए हम। अरे छोड़ो, सही बात है। अभी आधे घंटे मारे सामान वो लगवा के आरो बस के। कब चलेंगे, कब चलेंगे, आ जाओ, सब लोग देख रहे हैं, आओ। तब तक वहीं रहोगी, प्रण लिया नन्नू ने। फाइनली हो चुका पूरा घर खाली, बस ये आ रहे कार लेके निकलने के लिए खड़े हैं, जो गाड़ी है वो जा चुकी है, इधर बस ये जो जरूरत के हैं वो बैग रह गए, सबसे लास्ट में जाएंगे। चलिए चलते हैं, कैमरा भी वहीं पर पहुंच गया, सारा सामान वहीं पर पहुंच गया, गाड़ी डोडो करके वहां पहुंच गई, सब हो गया, बस मैं रह गई हूँ। चलिए घर को छोड़ते हैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही अच्छे मन से करते हैं नए घर में प्रवेश। ये मन में जो है वो मैं बता रही हूँ आज इस पल में, मुझे देखिए थोड़ी बहुत परेशानी दिक्कत तो हर किसी की लाइफ में है, इवन भगवान ने अवतार लिया था उस टाइम भगवान को भी झेलनी पड़ी थी, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ ये है कि कोई रिग्रेट नहीं रहा लाइफ से, नो रिग्रेट, नो गिल्ट, नो फ्रस्ट्रेशन, नथिंग, एक पूर्ण संतुष्ट मन से मैं इस घर से लेती हूँ विदा और अपने घर में मैं प्रवेश करूँगी एक बहुत ही प्योर मन के साथ। एंड हाँ, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगी जो मेरे दिल की है कि जिन लोगों का भी मैंने कभी भी जाने अनजाने में दिल दुखाया है, मैं उनसे दिल से सॉरी बोलती हूँ, और जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है मैं उनको माफ़ करती हूँ, उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड। इसी के साथ मैं अपने घर में प्रवेश करूँगी, इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी प्योरिटी के साथ। वैसे तो लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बट पॉजिटिविटी क्या, जितनी हो अच्छी चीजें, जितनी हो उतनी कम है ना। इसी पॉजिटिविटी के साथ और ज्यादा मैं पॉजिटिविटी लेते हुए अपने खुद के घर में प्रवेश करने करूंगी, और यहाँ पे जो कोई भी आए नेक्स्ट रहने, उसकी भी जिंदगी खुशियों से भरी हो, बस मेरी यही कामना है। इस घर ने मुझे बहुत खुशी दी और ये घर मुझे मरते दम तक याद रहेगा, क्योंकि यहाँ से मैं अपने घर में शिफ्ट हुई थी, तो आप सोच सकते हो ये घर कितना स्पेशल है। बुक हो गया था मेरा घर लास्ट घर से जहाँ पर मैं रहती थी, जहाँ पर मम्मी नीचे और मैं ऊपर रहती थी ना, बुक मेरा वहां से हो गया था, वो भी घर लकी था मेरे। मैंने सोचा था कि मेरे लिए एक घर लकी होगा जिसमें मैं खुद के घर से जाऊँ, बट दो घर लकी, एक से बुकिंग हुई और एक से मैं शिफ्ट कर रही हूँ अपने घर में। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं अपने घर में पहला कदम रखूंगी,
मतलब रहने के लिए, वैसे तो बहुत बार जा चुकी हूँ, पूरी तरीके से रहने के लिए। भगवान सबको खुश रखे, सबको खुशियाँ दे, और जो लोग चाह रहे हैं ये दिन उनकी जिंदगी में नसीब हो, उन लोगों, मेरे दिल से दुआ है उन लोगों को जल्द से जल्द ये दिन नसीब हो कि वो अपने घर में जाए रेंट के घर से। और फाइनली आज मुझे एक रेंट के घर में रहते रहते हो गए हैं तकरीबन बहुत साल हो गए। मैं मम्मी से पूछ के आती, मैं खुद भूल गई, मम्मी 4 या 7 हो, 8, 9, 10, 11, 12 है, 13, 14 साल हो गए। 14 साल नहीं, 7 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 साल वो हो गए। एग्जैक्ट 7 साल लखनऊ में रहते रेंट पर, और एग्जैक्ट 7 साल यहाँ शादी के बाद, शादी से पहले के 7 साल और शादी के बाद के 7 साल, 14 साल हो गए, है ना। 14 साल के बाद ये दिन नसीब हुआ है, ऐसे ही नहीं नसीब हो गया, हवा में नहीं नसीब हो गया, बहुत कुछ, बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष के बाद, बहुत दुख तकलीफों के बाद ये जो खुशी के पल है वो आए हैं। एंड मैं कामना करती हूँ आप सभी की ज़िंदगी में ये पल बहुत जल्दी से आए, जो लोग चाह रहे हैं, और जो लोग जो भी चाह रहे हैं, जिन लोगों को बेबी चाहिए उनको बेबी हो जाए, जिन लोगों को जॉब चाहिए उन लोगों की जॉब लग जाए, मैं दिल से दुआ करती हूँ बहुत ही पॉजिटिव मन के साथ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा, जब आपका मन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, एकदम अच्छा फील करे, एकदम संतुष्ट फील करे, उस वक्त जब आप दुआ देते हो ना तो वो दिल से कबूल होती है। तो जो लोग के दिल में जो कुछ भी है वो चाहते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं जो लोग, और जो लोग अपने लिए कुछ अच्छा सोच करने का सोच रहे हैं, उनकी दुआ दिल से मैं चाहती हूँ कि कबूल हो, बस मुझे यही बोलना है। जैसे मुझे खुशी मिली है वैसे आप लोगों के भी जीवन में खुशियाँ आए, तो बस इन्हीं सारी पॉजिटिव बात के साथ मैं जा रही हूँ खुद के घर में रहने के लिए। और बस तो मैं बोल ही चुकी हूँ, नो फ्रस्ट्रेशन, नो गिल्ट, एक संतुष्ट मन, बस इस टाइम मैं यही बोलूँगी। और बस जो लोग दूसरों के जीवन में खुशियाँ देखना चाहते हैं उनको खुशियाँ जरूर मिलती हैं, तो कोशिश करें कि कभी दूसरों का बुरा करने का ना सोचें, कभी दूसरों का गलत करने का ना सोचें, दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का ना सोचें, तो आप हमेशा संतुष्ट रहोगे, भगवान आपको हमेशा खुशियाँ ही देगा, अच्छी लाइफ, बेटर से बेटर लाइफ ही देता जाएगा। मेरा मानना यह है कि जब इंसान अपनी लाइफ में खुद संतुष्ट होता है तो कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, किसको बुला रहा है, क्या खा रहा है क्या पी रहा है, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि उसे सारी चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस कुछ वक्त होते हैं वो बीत जाते हैं, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आते हमारी ज़िंदगी में। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ बुरे पल हैं या कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो उनको एकदम भूल जाइए और अपनी लाइफ आगे बेटर बनाने का सोचिए, और हर पल इंजॉय करिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है ना। अगर कुछ बुरा हुआ भी है, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई है, तो उनको भूल जाइए मेरी तरह, और अपनी लाइफ को और बेटर और दिन पर दिन और खुशियों भरा बनाने का सोचिए। तो जब आप खुश होगे ना तो आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाषण ज़्यादा हो गया क्या? भाषण नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, मैंने बहुत दिल से बोला है, बहुत ही दिल से बोला है। अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अमल करोगे ना तो आप देखना आपकी लाइफ में खुद आपको चेंजेस पता चलेंगे। तो चलिए सब लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहिए, और अपनी दुआएं ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू, मिलते हैं खुद के नए घर में, हो सकता है रास्ते का भी थोड़ा सा बनाए, नहीं तो डायरेक्ट वहीं पर मिलेंगे। हाँ। चलो चलो चले मितवा, चलो चलो चलें घर, खुद के घर में, रेंट के घर से आए अभी होगा, अभी बाय हुआ भी आए होगा थोड़ी देर में। Thank you.
यहाँ बिना मठा के मठा हो ही जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए अपने घर में, कितना टाइम, और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, आराम से अच्छे टाइम पे हम लोग शिफ्ट हो गए थे, 8:30 बजे तक हम लोग शिफ्ट हो गए थे। लकड़ी की काठी काठी पे रोड़ा, लकड़ी की चम्मच कितनी लाए, 4 लेटर, 4 पर क्या कह रही थी मम्मा, ये जब बंद होते हैं तो पता भी नहीं चलता ये बंद है, खुलते हैं तो थोड़ा पता चल जाता है, स्विच अच्छे हैं यहाँ के, वो तो लगवाओ यार स्विच में, हम लोग आ गए और ये है ही नहीं, कल आ जाएगा। हाँ ये घर आते ही अपने सबसे पहले खाने पे दावा बोल गया, हमें भी बहुत भयानक लगी है, हम भी खाएंगे मम्मी को थोड़ा डाउट था ना, ये देखो मेरे बच्चा को नीनू नहीं आ रही थी, है पापा और नन्नू बाहर सो रही थी, मैं और मम्मी अंदर, फिर मैं उठी एकदम से, मैंने कहा मैंने व्लॉग तो एंड किया ही नहीं है वाला, तो थकान अनलिमिटेड अलग ही लेवल की हो रखी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंदर से भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ ना तबीयत खराब की वजह से। इसमें दोनों सुना ये आ गए, देखो एक ये आ गया, ये वॉशरूम के लिए है, ये वॉशरूम के लिए है, एक ये आ गया, ये देखो ये मैं लगा लूँगी, हाँ लगा लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये शिफ्टिंग वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आगे मैं अपने खुद के घर में पहुँच गई हूँ, हालत बहुत मैस है, आपको पता होगा कैसे हो जाती है, तो आप सहेज के और ज़्यादा, वैसे आपको पता है मैं हर घर को सहेज के सजाती हूँ, इसको और ज़्यादा अच्छे से सजाना है संवारना है, तो फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं वो सपना सा लगती रहती हैं, तो बस वही चीज़ हो रही है, बट टचवुड ये हकीकत है, और बस फिलहाल इतना ही कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और बस मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे कमेंट के जरिए कर सकते हैं, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर भी करिएगा, ताकि मुझे और ज़्यादा लोगों का प्यार मिल सके, आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी, नया वीडियो।